इश्यूज कुछ राशिद, जब हम किसी भी टीम का एनालिसिस करते हैं तो उसमें T20 के लिए स्पेशली कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं? सारे ही फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं, लेकिन ये है कि टीम मैन जो होता है उसको सबसे ज़्यादा फोकस दी जाती है, और फील्डिंग सबसे बड़ा, कि फील्डिंग में कौन ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ प्लेयर्स आपने पास में भी देखा होगा कि अपनी फील्डिंग की वजह से टीम में जगह बनाते हैं, तो फील्डिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है T20 के अंदर। फिटनेस तो हमारे प्लेयर की थोड़ी रहती है, लेकिन अगर फिट प्लेयर हो तो रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं तो बड़ी हिट मारने में आसानी हो जाती है। जब आप थकते नहीं तो फिट होते हैं, तो ये सारे इश्यूज होते हैं। बाकी बॉलिंग में जब डेथ बॉलिंग होती है उसमें बॉल करना आना चाहिए। बड़े अच्छे बॉलर्स गुजरे हैं, लेकिन जब डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं करना आती कुछ प्लेयर्स को, कुछ को शुरू के ओवर्स करना नहीं आते। तो हमें कराची किंग का एडवांटेज ये है कि हमारे पास दोनों जो कोचेज हैं वो पाकिस्तान टीम के हैं। सदर महमूद ने, क्योंकि हमें टाइम इतना नहीं मिला, लेकिन जो भी बॉलर थे उनको कोशिश की है कि कहाँ पे कौन सी बॉलिंग करनी है। जैसे टाइमस मिल रहा है, उसको हमने पास में भी देखा खेलते हुए, मेरा भी यही था कि वो बॉलर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको कब कौन सी बॉल करनी है, ये मेन फैक्टर है। अभी 2-4 दिन में यही काम किया है, अगर मैच में वो डिलीवर कर गए तो डिफरेंट बॉलर नज़र आएगा। तो ये फैक्टर होते हैं कि बैट्समैन किस नंबर पे कौन सा प्लेयर खेलेगा, ये कोच की होती है। तो मेरे ख्याल से, लेकिन T20 में टाइम आपको चाहिए होता है, फ्रेंचाइज में हमें टाइम चाहिए होता है कि सारे प्लेयर्स आपस में मिल के बैठ के जब मैच खेलने जाए तो एक दूसरे से अनजाने ना हो। अच्छा, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि T20 क्रिकेट है, चौके छक्के मारने हैं जल्दी जल्दी, और उसमें अक्सर ये भी देखने को आता है कि 14-15 ओवर्स में, 16 ओवर्स में पूरी टीम आउट हो जाती है। तो क्या बैटिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए T20 स्पेशल? देखिए, शुरू के ओवर्स में जब दोनों एंड से मारना शुरू करते हैं तो विकेटें गिर जाती हैं। एक एंड को सॉलिड होना चाहिए, मतलब सॉलिड ऐसा कि वो स्ट्राइक को रिमूव करे, मतलब कि स्ट्राइक रोटेट करता रहे। एक एंड से आप चांस लेंगे, अगर शुरू में दोनों बहुत शादिर और नादिर ही होता है कि दोनों एंड से छक्के लग रहे हो या चौके लग रहे हो, फिर वो 250 रन बनते हैं, जिस तरह अभी पास में आपने देखा होगा 244 रन चेज किए। लेकिन ये कभी कभी होता है, स्पेशली शारजा दुबई में ऐसा बहुत कम नज़र आता है। हमेशा स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप 2 से 3 ओवर पिक करते हैं, 8 ओवर के बाद 8वां 9वां 10वां या 11वां 12वां 13वां इस तरह से पिक किए जाते हैं कि यहाँ मोमेंटम तेज़ करेंगे। तो अगर आप 20 ओवर को मोमेंटम पूरा लेके जाओगे तो इसी वजह से आउट होते हैं। वैसे नॉर्मल 6-7 रन अगर बनने, ये नॉर्मल है, लेकिन 2 ओवर भी पिक करते हैं 15-18 रन के तो आपका मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, उमर अमीन ने 1 ओवर में 3 छक्के मार के मोमेंटम शिफ्ट कर दिया 1 ओवर था सिर्फ। अगर 2 ओवर ऐसे आ जाए तो गेम आपके हाथ में आ जाएगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये प्लेयर्स को अप्लाई करनी होंगी। कोई सिर्फ मैं कराची किंग की बात नहीं कर रहा, गेम को इनहांस करने के लिए, तमाम फ्रेंचाइज के लिए ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, एक ये बात आम तौर पर T20 के लिए कही जाती है कि एक प्लेयर की परफॉर्मेंस फील्डिंग में और एक प्लेयर की परफॉर्मेंस बैटिंग में बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज भी कर सकती है सिनेरियो को। तो क्या उस प्लेयर को बताना होता है या उस प्लेयर को आप टारगेट कर सकते हो कि आपने वो परफॉर्मेंस देनी है जो मैच को चेंज कर दे? नहीं, प्लेयर खुद करता है इसको। गेम अवेयरनेस जिस प्लेयर को होती है, गेम से अवेयर होता है, अपनी सिचुएशन से अवेयरनेस होती है, वो गेम को चेंज करना जानता है। प्रैक्टिस मैचेस होते हैं उसमें हम, जैसे आज मैच हुआ देखा हमने थोड़ा बहुत, कुछ प्लेयर नज़र आ जाते हैं यार ये गेम को चेंज कर सकते हैं। कुछ कुछ होते हैं नामी ग्रामी बड़े प्लेयर्स होते हैं, हम उसके ऊपर डिपेंड करने लगते हैं। जब डिपेंड करने लगते हैं अगर वो क्लैप करके पूरी टीम गिर जाती है। इसीलिए गेम सिचुएशन में हर एक प्लेयर को खेलना आना चाहिए, और आपके पास वो प्लेयर होने चाहिए जो खराब सिचुएशन से टीम को अच्छी पोजीशन में ले जाएं। अच्छा राशिद, इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है, फॉलो भी करते हैं, कमेंट्स भी माशाल्लाह, एनालिसिस भी आप देते रहते हैं। अभी दो मुख्तलिफ किस्म के बयान आए, जॉस बटलर ने कहा कि T20 क्रिकेट ही फ्यूचर है, मुझे लग रहा है टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगी। फिर ट्रेवर बेलिस ने कहा कि इंटरनेशनली T20 सिर्फ 5-6 महीने के लिए होनी चाहिए, वो भी उस वक्त जब वर्ल्ड T20 करीब आ रहा हो। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कि क्या T20 क्रिकेट की बहुतात हमें ऐसी तरफ ले जा रही है कि हम जो ट्रेडिशनल क्रिकेट है उससे दूर हो जाएंगे? शायद भाई, बहुत पहले एक मैंने स्टेटमेंट यही दिया था कि T20 पे इंटरनेशनल कैप नहीं मिलनी चाहिए, ये इंटरटेनिंग क्रिकेट है, इंटरटेनमेंट पे रहने दें। फ्रेंचाइज को विंडो चाहिए होगी ना, अगर हम इंटरनेशनल खेल रहे हैं, मतलब लाइक पाकिस्तान खेलता है T20 नंबर 1 है, नो डाउट, लेकिन उसकी बेस पे बहुत सारे टेस्ट प्लेयर भी बन रहे हैं, वनडे प्लेयर भी बन रहे हैं, वो डिफरेंट क्रिकेट है, टोटली डिफरेंट है। क्योंकि वनडे को आप शॉर्ट फॉर्मेट नहीं कहा जाता, 50 ओवर 100 ओवर
लॉन्गर वर्जन में ही आ जाता है। इससे पहले मिकी आर्थर ने भी यही बयान दिया था, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, ये नेशनल कैप T20 को नहीं देनी चाहिए। फ्रेंचाइज खेलें आप, क्लब क्रिकेट जो भी हो दुनिया में, जैसे फुटबॉल इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं एग्री करता हूँ दोनों बड़े कोचेस से। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि कराची में फाइनल होने जा रहा है, यकीनन बहुत से लोग आपको हर घंटे हर लम्हे पे फोन करते होंगे फ्री पासेस के लिए, तो शायकीन को क्या मैसेज देंगे कि किस तरह इस मैच को देखें, इसलिए कि ये एक ही मैच है और इंशाल्लाह फिर आगे भी मैचेस होने हैं। शायकीन से मैं माफी मांगता हूँ भाई, इस वजह से कि नेशनल स्टेडियम में इतनी जगह नहीं है, हार्डली 35 से 38,000, मैं भी मैक्सिमम बता रहा हूँ, इतनी कराची जो शहर है यहाँ पे हमें 75,000 के चाहिए, और जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है मैच अनाउंस होने का, मेरे पास दुबई का किसी ने नहीं बोला कि हमें मैच देखना है, आएंगे टिकट, सब कराची फाइनल का बोल रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दिन सही मानों में कराची पूरा निकल के बाहर आएगा। लेकिन कोशिश करें कि टीवी पे देखें, मैं आपको मशवरा दूंगा टीवी पे देखें, क्योंकि हर कोई नहीं दे सकता, और ये नहीं कि हम टिकट नहीं दे सकते, लेकिन इतना रश होता है ना, यंग बच्चे बहुत आना चाह रहे हैं, तो हमारे थोड़ा सा हजूम जब ज़्यादा हो जाता है तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यही है, बच्चों को ना लेके जाएं, जो भी है पहला इशू, पहला एक बड़ा इवेंट कराची होने जा रहा है, उसको कामयाब बनाएं, और कामयाब बनाएंगे तो बड़े मैचेस और होंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, पाकिस्तान में क्रिकेट आएगी, और फ्रेंचाइज क्रिकेट अगर पाकिस्तान में आ जाती है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं ये स्टेडियम छोटे पड़ जाएंगे, जो क्रेज पाकिस्तान में या कहीं पे भी क्रिकेट का है, तो ये जो फाइनल जो देखने जा रहे हैं इंशाल्लाह, शेर तो धाड़ेगा लेकिन कराची धाड़ेगा उस दिन, सही मालूम है।